वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे माह दिसंबर 2019 के राशिफल के विषय में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि राशिफल की जब हम चर्चा करते हैं तो उससे पहले आपको ग्रहों की गोचर में स्थिति से भी अवगत कराते हैं, क्योंकि इन ग्रह की जो गोचर में स्थिति है उसी के आधार पर ही तो आपका राशिफल तैयार किया जाता है। तो यह आपके लिए भी जानना अति आवश्यक हो जाता है कि ग्रहों की स्थिति गोचर में क्या है। तो आइए जानते हैं। सूर्य जो कि अभी अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, 16 दिसंबर को ये अपनी इस मित्र राशि से निकल करके ही अपनी दूसरी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे तथा वहाँ इनकी युति अपने मित्र ग्रह बृहस्पति तथा शत्रु ग्रह शनि एवं केतु के साथ बनेगी तथा 25 दिसंबर से अपने समग्रह बुध के साथ भी इनकी इस राशि में युति बनेगी। मंगल जो कि अभी अपनी समराशि तुला में संचार कर रहे हैं, 25 दिसंबर को ये इस राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश करने वाले हैं। बुध ग्रह जो कि अभी अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं अपने समग्रह मंगल के साथ, लेकिन ये 5 दिसंबर को अपनी समराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे मित्रों, तथा 18 दिसंबर को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे और फिर 25 दिसंबर को ये वृश्चिक राशि से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर इनकी युति अपने समग्रह बृहस्पति के साथ तथा अपने मित्र ग्रह सूर्य शनि और केतु के साथ बनेगी। गुरु बृहस्पति जो कि अभी अपनी स्वयं की राशि धनु में संचार कर रहे हैं, पूरे माह करते रहेंगे। यहाँ पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ 15 दिसंबर तक बनेगी तथा अपने समग्रह शनि एवं केतु के साथ भी पूरे माह इनकी युति बनी रहेगी तथा 16 दिसंबर से अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ भी इनकी युति पूरे माह इस राशि में रहेगी। 15 दिसंबर को ये पश्चिम में अस्त होंगे मित्रों और 25 दिसंबर से बुध के साथ भी इसी राशि में इनकी युति बनने जा रही है। शुक्र ग्रह अपनी समराशि धनु में संचार कर रहे हैं वर्तमान में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ तथा अपने मित्र ग्रह शनि एवं केतु के साथ, लेकिन 15 दिसंबर को ये इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह अपनी समराशि धनु में अपने समग्रह बृहस्पति के साथ तथा अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ तथा अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ संचार कर रहे हैं, लेकिन 15 दिसंबर से शुक्र इस राशि से निकल जाएंगे जैसा कि अभी हमने आपको बता चुके हैं और 16 दिसंबर से सूर्य के इस राशि में प्रवेश करने के बाद उनके साथ इनकी युति बनने वाली है। शनि 27 दिसंबर को पश्चिम में अस्त होंगे। राहु का संचार पूरे माह अपनी मित्र और उच्च राशि मिथुन में चलता रहेगा। केतु का संचार पूरे माह अपनी उच्च राशि धनु में चलता रहेगा इसी प्रकार, और यहाँ पर इनकी जो युति है वो बृहस्पति शनि तथा कुछ दिनों के लिए इनकी युति शुक्र सूर्य और बुध के साथ भी बनेगी। तो ये था मित्रों ग्रहों का गोचर में स्थिति वर्तमान में, जिसके आधार पर आपका राशिफल तैयार हुआ है। आइए मित्रों, अब आप जो तुला राशि के जातक हैं उनके विषय में, राशिफल के विषय में चर्चा कर लेते हैं माह दिसंबर 2019 के विषय में। सर्वप्रथम व्यवसाय, क्या कहते हैं आपके सितारे इस माह? इस माह के आरंभ से मध्य तक मित्रों आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी एवं तीव्र बुद्धि के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को बहुत प्रभावित करने वाले हैं। अगर आप सेल्स या व्यापार में हैं तो आपका जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, इस अवधि में बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत अति उत्तम क्वालिटी का रहने वाला है, बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं आप इस अवधि में। और आप अपने प्रस्तुतिकरण से, अपने प्रेजेंटेशन से अपने ग्राहकों को बहुत प्रभावित करने में सक्षम रहेंगे और इसका लाभ आप बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ तृतीय भाव में चतुर्ग्रही योग होने से अपने छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको इस माह प्राप्त होगा। अगर आप पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अपने किसी पारिवारिक व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, लेकिन इस माह आपका स्वभाव कुछ उग्र रहने वाला है, यानी कि क्रोध की कुछ कह सकते हैं अधिकता रहने वाली है, रहेगी। जहाँ तक हो सके अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो माह के मध्य तक आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर पाएंगे। अगर आप किसी टेक्निकल लाइन में कार्य करते हैं तो ट्रेनिंग के लिए भी आपको विदेश या कहीं दूर देश में भी कहीं दूर भेजा जा सकता है आपके संस्था के द्वारा, और आपकी कंपनी के द्वारा। वैसे भी आप इस माह आपको यात्राएं भी करने का योग बना हुआ है जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहने वाला है, और माह मध्य से अंत तक आपको अपने व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों में काफ़ी अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी।
और काफ़ी हद तक चीज़ें आपके अनुसार ही चलने वाली हैं और इस माह किसी भी प्रकार की चुनौतियों या दुविधाओं का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति हमें दिखाई नहीं दे रही है आपके व्यवसाय में। और जैसा कि अभी हमने आपको कहा कि अगर आप कोई पारिवारिक व्यवसाय है, आप उसके साथ जुड़े हैं, तो आपके भाई बहनों का, परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग प्राप्त होगा पूर्ण रूप से। तो यह समय आपके लिए, आपके व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। वित्तीय स्थिति, माह के आरंभ से और मध्य तक आप उचित मात्रा में धन अर्जित कर पाएंगे। और इतना ही नहीं मित्रों, आप धन का निवेश भी बहुत उचित स्थान पर करने जा रहे हैं, सोच समझ करके करेंगे। लेकिन महामध्य से धन के आगमन में कुछ कमी रहेगी। सुख सुविधा तो आपको उपलब्ध रहने वाली हैं, मगर आप उनका भरपूर उपयोग या पूर्ण रूप से उनका लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रेम संबंध, इस माह आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने में ग्रहों का सहयोग तो प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मगर साथ ही संबंधों में दोनों प्रकार के अनुभव आपको होंगे, नरम भी और गर्म भी, दोनों प्रकार के। ऐसी स्थिति इस माह बनने वाली है, लेकिन बात इसके आगे नहीं जाने वाली। यानी कि अगर आप सोचें कि प्रेम संबंधों के साथ साथ हम इसको विवाह के रूप में भी, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, यदि आप विवाह आदि करना चाहते हैं, मेरे कहने का भाव ये था, तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध तो इस माह अच्छे रहेंगे, काफ़ी वैवाहिक सुख है, लेकिन अगर क्रोध ना करें तभी, वरना संबंधों में तल्खी पैदा हो सकती है। संतान, आपके संतान के शिक्षा प्राप्ति परिणामों में, शिक्षा संबंधित परिणामों में इस माह आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी। हालांकि बीच बीच में कुछ उलझन और बाधाओं का तो सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आंशिक प्रभाव ही पड़ेगा परिणामों पर। कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत निराशाजनक परिणाम आपको प्राप्त होंगे, थोड़ा बहुत परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं। स्वास्थ्य में इस पूरे माह नरमी बनी रहेगी। अपने स्वास्थ्य का आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें। यह था आपके स्वास्थ्य के विषय में, पूरा राशिफल हमने आपके साथ उसकी चर्चा की है। अब आपको अंत में उपाय बता देते हैं कि सरल और आसान उपाय कौन से हैं जो आप करें, और उनको करने से मित्रों पूरे माह आपको सारी समस्याओं से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। महामृत्युंजय के जाप प्रतिदिन कर सकते हैं तो अवश्य करें, कम से कम 3 माला। मंत्र का मैं उच्चारण कर देता हूँ। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ओम सुह भुवः भू ओम हौम जूम सह ओम। तो ये मित्रों था महामृत्युंजय का मंत्र। इसकी 3 माला कर सकते हैं तो करिए, प्रतिदिन बहुत लाभकारी है। और सूर्यदेव को प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल अर्पित करना ना भूलें। ये बहुत छोटे छोटे 2 उपाय हैं, इनको करें और लाभ प्राप्त करें। मित्रों, आपको ये राशिफल तुला राशि के जो जातक हैं पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो भी आगामी हमारे कार्यक्रम के वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुँच सकें और आप समय अनुसार उनका भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।